आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इंडेफिनिट जो ए और एन होते हैं। नंबर टू डेफिनिट जो द होता है। यूज ऑफ ए एंड एन, आइए अब ए और एन का यूज देखते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिंड बाई साउंड, ए और एन के बीच का चुनाव आवाज से निर्धारित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एन का यूज कैसे किया जाता है। तो वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड एन इज यूज, उन शब्दों से पहले जो किसी वोवल साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले एक एन का यूज किया जाता है, यानी अ आ इ ई उ ऊ ओ ओ वा। फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। यहां पर ये नोट कीजिए द वर्ड्स आर एंड ऑनेस्ट बिगिन विद ए वोवल साउंड एज द कॉन्सोनेंट एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड। जो दो शब्द हैं आर और ऑनेस्ट जो आप देख रहे हैं ये वोवल साउंड से शुरू हैं क्योंकि एच को उच्चारित नहीं किया जाता। आइए अब समझते हैं यूज ऑफ ए। वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन की साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, अ मैन, अ चेयर, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले ए है क्योंकि शुरू तो ये यू से हो रहा है लेकिन इसकी जो साउंड निकल रही है वो कॉन्सोनेंट से निकल रही है या से। सिमिलरली वी कैन से अ वन रुपी नोट, अ वन आइड मैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ आप देखिए मेंबर जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ है इसलिए इससे पहले ए आएगा, लेकिन अगर हम इसका एब्रिविएशन यूज़ करेंगे और लिखेंगे एमपी तो उससे पहले हमें लिखना होगा एन क्योंकि एमपी जो है वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि हम दा का यूज़ कैसे कर सकते हैं। नंबर वन व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रिफर्ड। जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोलते हैं या जिसका जिक्र पहले से हो चुका होता है, जिसका उल्लेख पहले हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो टू द क्लब। द क्लब, क्लब जो है एक विशेष जगह है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक एक खास किताब हो गई। आई सॉ ए मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। पहले जब मैन का इस्तेमाल हमने किया तब उससे पहले ए का यूज़ किया लेकिन चूंकि इसका उल्लेख पहले हो चुका है जब इसका दोबारा हम उल्लेख करेंगे तो उससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे, इसलिए मैन से पहले दा का यूज़ हुआ है। इसके बाद आगे देखिए विद नेम्स ऑफ रिवर्स, गर्ल्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस। नदियाँ, खाड़ियाँ,
सागर, महासागर, द्वीप समूह और पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का यूज होता है, जैसे द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, द हिमालयास, द लेकाडिव आइलैंड्स। आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ किताबों के नाम से पहले, जैसे द रामायण, द इलियड, द बाइबल। लेकिन वी विल से, हम कहेंगे वाल्मीकि रामायण, होमर्स इलियड, जब किसी भी पुस्तक के नाम से पहले उसका राइटर का नाम हो और वो एपोस्ट्रोफी एस से जुड़ा हो, तब पुस्तक के नाम से पहले द का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखिए, विद चारों दिशाओं से पहले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सबसे पहले द का यूज होता है। आगे देखिए, बिफोर कॉमन नाउंस विच आर यूनिक, उन कॉमन नाउन से पहले जो विलक्षण होते हैं, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ एटसेट्रा। नेक्स्ट, विद सुपरलेटिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द डार्केस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटसेट्रा। इसके बाद विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स से पहले द का यूज होता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ एटसेट्रा। नेक्स्ट, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबसे पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द फ्लूट, द वीना एटसेट्रा। नंबर नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव से पहले जब इसका यूज एक नाउन के रूप में किया जाता है, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पुअर का यूज जो है वो नाउन के रूप में हुआ है, द पुअर का मतलब होता है सभी गरीब लोग। नेक्स्ट, बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन अनदर नाउन इज कंपेयर्ड टू, हम कभी कभी कुछ प्रॉपर नाउन से पहले भी द का यूज करते हैं जब किसी और का कंपैरिजन इनसे हुआ हो, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। यहाँ पर कालिदास की जो तुलना है वो शेक्सपियर से की गई है, इसलिए शेक्सपियर जो प्रॉपर नाउन है इससे पहले द का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर ए नाउन व्हेन इट मीन्ड टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, उस नाउन से पहले जब ये पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ जो है वो अपनी जाति का, अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए काउ से पहले द का यूज किया गया है। द इसी तरह से द कैट लव्स कंफर्ट। नेक्स्ट देखिए, विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, फेमस बिल्डिंग्स एंड शिप्स, सभी अखबार, प्रसिद्ध इमारतें और जहाज, इनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट, द टाइटैनिक। नेक्स्ट देखिए, विद पीपल ऑफ कंट्री, देश के नागरिकों से पहले, देश के लोगों से पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द इंग्लिश जो पीपल ऑफ इंग्लैंड है, द फ्रेंच जो पीपल ऑफ फ्रांस है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज भी है, जब इनका इस्तेमाल लैंग्वेज के रूप में होता है तब इनसे पहले द का यूज नहीं होता। आगे देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का लोप, जहाँ पर हम किस आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो वहाँ देखिए कि हम बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से पहले जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हो या स्थान के लिए हो, उससे पहले हम द का यूज नहीं करते, जैसे आई लिव एट अमरोहा, मिल्टन वॉज अ फेमस पोएट। नंबर टू, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस,
जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ मेटेरियल्स, मेटेरियल्स के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क एटसेट्रा। नेक्स्ट, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज नहीं करते, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ऑनेस्टी और वर्चू से पहले द का यूज या किसी भी आर्टिकल का भी यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर लैंग्वेजेस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, बिफोर स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, बेड, मार्केट, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, बेड, मार्केट, इनके, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा जब इन जगहों का प्रयोग जो है जाने के लिए किया जाए, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस हैं उनके नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, जैसे फादर, मदर, अंकल एटसेट्रा। नेक्स्ट, बिफोर डिसीजेस, बीमारियों के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे फीवर, मलेरिया, कॉलरा एटसेट्रा। लेकिन ये बात ध्यान रहे, बिफोर दीज डिसीजेस, के इन बीमारियों से पहले द इज यूज्ड, द का यूज किया जाता है। ये दो ही बीमारियां हैं, जैसे द मम्स एंड द मीजल्स, इन दोनों बीमारियों से पहले द का यूज किया जाएगा। तो ये स्टडी थी आपके आर्टिकल्स की। पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने आर्टिकल्स के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। अब लास्ट में कुछ मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनको खुद ही करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा।